तो हे गाइस, मैं मानस आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में वेलकम करता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं सेज की तरफ से आने वाली सेज एसिमेट्रिक मैग्नेटिक एलईडी लैंप। इस लैंप का नाम मैग्नेटिक एलईडी लैंप इसलिए है क्योंकि इस लैंप का जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके थ्रू। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज, ये हमारा सेज एसिमेट्रिक एस मैग्नेटिक एलईडी लैंप विद स्पीकर का बॉक्स, और सामने हमें हमारे लैंप की इमेज मिल जाती है, और ये जो दो बॉल्स हैं इसी के थ्रू हमारा जो सर्किट है इस लाइट का वो कंप्लीट होता है और लाइट ग्लो करती है। और गाइज, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की मेंशनिंग यहाँ पे दी गई है, जैसे 3 लेवल ब्राइटनेस, मैग्नेटिक फोर्स टू लाइट, 5 वॉट वायरलेस स्पीकर, और साथ ही साथ फ़ोन होल्डर। और फ़ोन होल्डर इसका कैसा है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, ऊपर की तरफ भी हमें सेज की ब्रांडिंग और एसिमेट्रिक एस मैग्नेटिक एलईडी लैंप विद स्पीकर की जो नेम है विद मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशनिंग दी गई है। और गाइस, इसके और भी कुछ फीचर्स जैसे एलईडी आई प्रोटेक्शन और वायरलेस स्पीकर और सॉफ्ट टच कीज, माइक्रोफोन और मेमोरी कार्ड और यूएसबी डिस्क और हैंड्स फ्री फ़ोन और FM और ऑक्स इनपुट इसी लैंप के अंदर हमें देखने को मिलता है। और गाइज, बैक साइड भी हमें मॉडल नंबर, नेम और हमारी जो लैंप की इमेज है वो देखने को मिलती है। और गाइज, बाकी हमें प्रोडक्ट के कुछ पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और गाइज, उस बॉक्स के अंदर हमें ये कुछ दो कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से इसमें हमारा जो मेन जो बेस है लैंप का वो है, और इसमें जो लैंप का अपर हेड है वो मिलता है। और गाइज, उन दो कंपार्टमेंट्स के अंदर हमें ये कुछ चीज़ें मिलती है, जिसमें से ये हमारी इंस्ट्रक्शन फॉर असेंबलिंग और ये कुछ हमारी यूज़र मैनुअल है। तो इनकी तो हमें अभी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे असेंबल करके यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें इन दो कनेक्टर्स को कनेक्ट करना है आपस में, और वो कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, इनको साथ में अलाइन करके आपको सिंपली यहाँ पर पुश कर देना है, तो आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। और गाइस, अब हम लगा लेते हैं हमारे हेडर को अपने बेस के अंदर, तो हमें सिंपली ऐसे प्लेस कर देना है और अपने आप ये अंदर चले जाएगा, और हमारा जो लैंप है वो रेडी टू यूज़ हो चुका है। और गाइस, बेस में आपको सारे जो फीचर्स है वो टच में मिलते हैं, जैसा कि वॉल्यूम प्लस माइनस, सॉन्ग नेक्स्ट प्रीवियस और ब्राइटनेस लेवल एडजस्टमेंट और सॉन्ग प्ले पॉज, और फ़ोन पिकअप करने का भी ऑप्शन मिलता है, और ये हमारा पावर ऑन या फिर ऑफ करने का ऑप्शन। और गाइस, इसके जो मैग्नेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपस में अलाइन हो जाते हैं, और जो सर्किट है लैंप का उसे कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। और गाइस, फ़ोन को आप इस स्टॉपर की मदद से कुछ इस तरह अलाइन कर सकते हो। और गाइस, इस तरफ हमें बेस पे हमारा जो स्पीकर है वो देखने को मिल जाता है। और गाइस, बेस पे आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट, USB और DC 5 वोल्ट की और ऑक्स इनपुट देखने को मिल जाता है। और गाइज, अब हम इसे माइक्रो USB के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। और गाइज, USB केबल से कनेक्ट करने के बाद आप इसे ऑक्स केबल या फिर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, तो अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो गाइज, ऐसी कुछ आवाज़ आती है ऑन करने के बाद, और ये हमारा जो ब्लूटूथ है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसमें ऑक्स इनपुट देंगे तो ये ऑक्स के थ्रू चलने लग जाएगा, इसका जो ब्लूटूथ है वो बंद हो जाएगा। और गाइज, अब हम ये ब्राइटनेस को इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, ये उसका सबसे लोएस्ट लेवल है, और ये सेकंड और ये थर्ड, ये कुछ तीन जो ब्राइटनेस लेवल एडजस्टमेंट है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और गाइज, इसका जो टच है वो भी एकदम स्मूथली प्रॉपर वर्क करता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है टच प्रेस करने में। और गाइज, अगर आप इसे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हो तो इसका जो नाम है जो कि बॉक्स पे लिखा हुआ था उसी नाम से ये आपको ब्लूटूथ डिवाइस में विजिबल होगी। अब हम हमारा जो मोबाइल है उसे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। Chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah.